अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप वॉइस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रह के फुली वेरीफाइड। सबसे पहले कुछ बातें मैं क्लियर करता चलूँ, वॉइस पाकिस्तान के अंदर लीगली अलाउड है, आप इसको विदाउट एनी इशू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आप पायनियर को यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको लोगों को बताता चलूँ कि वॉइस क्यों यूज़ करना चाहिए हमें एज़ कम्पेयर टू पायनियर। वॉइस एक बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथ सर्विस है और इसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके अंदर मिलते हैं जो कि हमें पेमेंट लेन देन के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं सारे प्रोसेस को। तो मान के चले वॉइस जो है हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देता है डायरेक्टली US की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की। तो क्या होता है कि आपका क्लाइंट कहीं पे भी बैठा है पर वो पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा है आपको, तो समटाइम वो कहता है आपसे कि पेपैल चाहिए। अगर आपके पास पेपैल नहीं है तो आप इसको इसकी जो बैंक डिटेल्स हैं US की बैंक की जो कि आपको आपके वॉइस अकाउंट के अंदर मिलेगा अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट उस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करेगा जिस तरह से हम लोकल पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। फिर क्या होगा, वो अमाउंट आपके वॉइस अकाउंट में आ जाएगी और उस वॉइस अकाउंट से आप सिंपली पाकिस्तान के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके साथ साथ वॉइस जो है वो एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं एज़ कम्पेयर टू पायनियर। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस है, मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस लगी। तो आप लोगों को किस तरह से क्रिएट करना है चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के आप लोगों को क्या क्या करना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, मैंने सिंपल ये लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप क्या आ जाएंगे इस वॉइस की वेबसाइट पर, इस तरह से आ जाएंगे। अगर उस लिंक पर क्लिक करने पर आप यहाँ पे आएंगे तो आप ऑलमोस्ट 500 GBP तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर सकेंगे किसी भी अकाउंट के अंदर विदाउट पेइंग अ सिंगल फी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पर्सनल और बिजनेस। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस अकाउंट अवेलेबल नहीं है और पाकिस्तान के अंदर वॉइस का कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है और यहाँ से अपने कंट्री सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे अभी के लिए डमी ईमेल्स डाल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देने के लिए आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे कुछ इस तरह से, और जैसे क्लिक करेंगे तो उस नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के साथ साथ फिर आपको उस स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर, जिस जो ईमेल आपने यहाँ पे यूज़ की है उसके ऊपर एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो ये आपका अकाउंट का टोटल क्रिएशन हो गया। अब मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ कि उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है। ओके, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने ईमेल भी वेरीफाई कर ली अपने अकाउंट की और नॉर्मली क्रिएट हो गया, तो आप कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे अकाउंट्स के और ओपन बैलेंस, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना ओपन बैलेंस पे। ओपन बैलेंस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बैलेंस, तो हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे बैलेंस पे, ओपन पे, और यहाँ पे अपनी करेंसी सिलेक्ट करेंगे जो भी करेंसी हम ओपन करना चाह रहे हैं जिसका बैंक अकाउंट हमें चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं कैनेडियन डॉलर के लिए एक बैंक अकाउंट चाह रहा हूँ, मेरा जो क्लाइंट है वो कैनेडा के अंदर बैठा हुआ है, मुझे पेमेंट भेजना चाह रहे हैं तो मुझे उसको कैनेडा की बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी जो कि मुझे वॉइस देगा। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसको कन्फर्म करूँगा तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आएगा गेट अकाउंट डिटेल्स फॉर कैड, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, आपका न्यू अकाउंट है तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो वेरिफिकेशन मांगेगा, आपके आपको सबमिट करना होगा आपका आईडी कार्ड और आपको सबमिट करनी होगी अपनी एक प्रॉपर सेल्फी उसी टाइम पे लेके, राइट। तो ये चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ वो आपसे कहेगा कि आप इसके अंदर किसी भी कार्ड को यूज़ करते हुए $20 डिपॉजिट करें, ठीक है। उस डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल अपना कोई भी कार्ड यूज़ कर लें, आप सादा पे, नया पे या अपना कोई भी बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करके उसके अंदर $20 या £20 जो हैं वो आपने ट्रांसफ़र करना है अपने लोकल बैंक से या लोकल कार्ड से। जैसे वो उसके अंदर ट्रांसफ़र होंगे
तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। राइट नाउ में ऑलरेडी पहले ट्रांसफर एक ही बार आपको करने पड़ते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी बैलेंसेज आप ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने पहले ही किया हुआ है, तो मैं सिंपल जैसे इस पर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे जो है बैंक डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे बैंक डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक डिटेल्स ले सकते हैं और वो बैंक डिटेल्स आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं जहाँ पे भी वो है। अगर यूएस का है तो यहाँ पे देखें मैंने काफ़ी सारे बैलेंसेज ओपन किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का, कैनेडिया, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, यहाँ पे देखें यूएस डॉलर्स। अब मुझे यूएस में से किसी से पेमेंट मंगवाने, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरी बैंक डिटेल्स मेरे सामने आएंगी, उन बैंक डिटेल्स को मैं क्लाइंट को भेज दूंगा और क्लाइंट मुझे वहाँ पे पेमेंट भेज देगा। वो जैसे ही यहाँ पे पेमेंट आएंगे उनको मैं ड्रॉ करवा लूँगा पाकिस्तानी अकाउंट्स के अंदर, सॉरी बैंक के अंदर। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस वाइज का। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों की वॉइस क्रिएशन में या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको हेल्प करने, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। बेसिकली मैंने सारा अकाउंट क्रिएट करके आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल्स थी नहीं, तो मैंने अपना ही अकाउंट आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से वो सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी कंप्लीट डिटेल्स के अंदर फाइवर अपवर्क की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप उनको जाके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।